Assalamualaikum viewers, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जनाब बड़ी ईद आ रही है और उसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल डिश, तंदूरी ग्रिल्ड मटन। ईद पर हम खवातीन इतनी मसरूफ होती हैं, ये रेसिपी बहुत ईजी भी है और उतनी ही स्पेशल। वीडियो को आपने पूरा देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारी टिप्स हैं, उनको फॉलो करते हुए आपका मटन भी इतना ही स्पेशल बनेगा। कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल लाइफ ए लिव बाय सलमान। ले जी, सबसे पहले हम मटन को बॉईल कर लेते हैं ताकि जब हम इसको मैरिनेट करेंगे तो ये बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिया 1 किलो मटन, बकरे की गर्दन का गोश्त है ये। आप चाहें तो आप इसकी जगह कोई सा भी अपनी पसंद का गोश्त यूज कर सकते हैं, मगर ये इसके अंदर गोश्त भी ज्यादा होता है और हड्डी भी होती है, तो ये बहुत जूसी और बहुत मजेदार बनता है। ठीक है, ये हमने पॉट में डाल दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 4 टेबलस्पून दही। हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। मैंने भर के नमक डाला है ताकि बॉईल करें तो इसमें नमक अच्छी तरह से अंदर तक चला जाए। अब हम इसको मिक्स करते हैं। अब इसके नीचे मैं जलाती हूँ चूल्हा और बिल्कुल इसको लो फायर पे मैं आधे घंटे के लिए कुक करूंगी। आप चाहें तो आप इसको प्रेशर भी दे सकते हैं, 10 से 15 मिनट में आपका प्रेशर पे ये अच्छा सा गल जाएगा। अच्छा, फायर मैंने बिल्कुल लो रखी है और इसको मैं कवर कर दूंगी। आप देखें कि मैंने इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया है क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा और गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा, तो हमने इसमें पानी नहीं डालना क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पानी होगा तो फिर उसको ड्राई करने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि ग्रेवी तो है नहीं, सिर्फ हमने इसको ग्रिल करना है तो पानी की जरूरत नहीं है। 15 मिनट हो चुके हैं, एक दफा हम देख लेते हैं मीट को, हिला भी लेते हैं। आप देखें इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, फिर भी अभी इसके अंदर दही ने और गोश्त ने जो अपना पानी छोड़ा है वो है। तो 15 मिनट अभी हम इसको मजीद कवर करेंगे ताकि पानी भी ड्राई हो जाए और जो हमारा मीट है वो भी फुल डन हो जाएगा। ठीक हो गया, मिलाप आधा घंटा हो चुका है। आप चेक करें, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मटन हमारा इतना अच्छा गल गया कि बिल्कुल हाथ लगाने से ही टूट रहा है, ये देखें। ठीक है, अब भी जो नमक भी था और अदरक लहसुन हमने इसमें डाला था, सारे फ्लेवर्स बहुत अच्छे से इसके अंदर चले गए हैं। अभी मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया ताकि ये हमारा मीट ठंडा हो जाए, साथ हम इसकी मैरिनेशन बना लेते हैं। चलें जी, ये मटन को मैंने प्लेट में निकाल लिया सारे पीसेस ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। मीनवाइल हम इसकी मैरिनेशन बना लेते हैं। यहाँ पे ले लिया मैंने एक मिक्सिंग बोल, इसमें जाएगा 1/2 कप दही, 7 इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस, अच्छा जी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, अच्छा जी 1 टीस्पून इसमें जाएगा क्रश्ड जीरा और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, क्रश्ड है ये भी, बिल्कुल पाउडर नहीं करना, क्रश्ड। 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला और 1/4 टीस्पून है मेरे पास जायफल और जावित्री, ये हम इसमें डाल देंगे। दोनों का 1/4 टीस्पून लेना। इसको अच्छा सा कर ले मिक्स। मैरिनेशन में मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि मटन में भी नमक था और तंदूरी मसाला में भी नमक होता है, इसलिए अगर आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मसाला हमारा अच्छा सा मिक्स हो गया, अभी हम ये मीट आराम से इसमें डालते हैं और हाथ की मदद से हम हर तरफ इसको अच्छा सा कोट कर लेंगे। हाथ से करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा और अच्छी तरह से मसाला लग भी जाएगा। इसी तरह हम सारे पीसेस को लगा लेंगे और फिर हमने इसको 15 मिनट का रेस्ट देना है ताकि सारे जो हमने स्पाइसेस अब मसाले में डाले वो भी इसमें अच्छी तरह से मर्ज हो जाए। सारे
पीसेस भी अच्छी तरह से मसाला लग गया। अब हम इसको 15 मिनट का रेस्ट देते हैं। चले जी, पैन में मैंने डाल दिए 2 टेबलस्पून ऑयल, ये गर्म हो चुका है। अब हम अपने मीट के पीसेस इसमें डालते हैं। अच्छा, आप चाहें तो आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं, मगर सिर्फ हम इसको पैन में ही करें क्योंकि सिर्फ हमें इसके दोनों साइड से कलर चेंज करना है। दोनों साइड से अच्छा गोल्डन हो जाए तो ये झटपट इतना मज़ेदार से हमारा बारबेक्यू मटन रेडी हो जाएगा। आखिर में हम इसको कोयले का दम भी देंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने इसको कोयलों के बनाया। एक साइड से अच्छा कलर आ जाएगा, फिर हम साइड चेंज करेंगे। नहीं जी, 5 मिनट हो गए, अभी हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं ताकि दूसरी साइड से भी इसका कलर अच्छा सा गोल्डन हो जाए। साथ ही मैंने कोयले भी रखे हैं गर्म होने के लिए, इतनी देर में एक साइड होगी, कोयले भी हमारे रेडी हो जाएंगे। चलें जी, हमारी लैम दोनों साइड से बहुत अच्छा कलर आ गया है। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे मैंने रख दिया फॉइल, साथ हम इसके अंदर रख देते हैं कोयले ताकि सही मज़ेदार सा इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे ऑयल और 5 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। चलें, 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसका दम खोल लेते हैं और इसको सर्व करते हैं। मेरे जहन में ईद के लिए बहुत सारी रेसिपीज थी मगर ये उसमें से मुझे सबसे स्पेशल और येट वेरी इजी लगी, तो मैंने कहा जरूर आप लोगों से इसको शेयर करना चाहिए। आप लोग इसको ईद पे, इतनी हेक्टिक रूटीन होती है, अगर आप चाहें तो आप इसको ईद के पहले दिन, अगर आपने इसको दूसरे दिन सर्व करना है तो पहले दिन बस आप इसको बॉईल करें और मैरिनेट कर दें। अगले दिन सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपको ग्रिल करने में और साथ आप इसको कोयले का दम दे दें तो मज़ेदार सी आपकी इतनी मज़े की एक डिश रेडी हो जाएगी। और आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको लंच में, डिनर में, चटनी साथ, सैलेड, ब्राउन चावल या नान, उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई है। इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।